वैसे मेरे पास दो तीन चीज़ें न्यूज़ है मेरे पास, और जिसमें से एक न्यूज़ ऐसी है जो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है गाइस 15 दिन बाद। ना तो मेरे 10K पैसे लगे थे बीजे में, पैसे बर्बाद, पैसे लगे थे ना बस। यहाँ पे लोगों के लाखों रुपए लग गए, तुम्हारे तो बस 10 पैसे लगे हैं, 10 पैसे। कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा। वेल, बुरे के चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं, बट जो मीटिंग में जो दो चीज़ें डिस्कस हुई है और जो दो आउटकम्स निकल के आए हैं उसका एक लास्ट सहारा है गाइस, लास्ट सहारा। वो लास्ट सहारा अगर हो गया ना तो फिर ठीक है, एक कॉल आ रहा है मुझे, बस 2 मिनट देना। सो बात करते गाइस थोड़ा सा सीरियस मैटर पे। अभी सीरियस मैटर फिलहाल के लिए ये रहने वाला है कि आप सबको पता है अभी क्या अपडेट है। मीटिंग वगैरह हो चुकी है BGMI की सरकार के साथ, एंड दो चीज़ें हुई है। पहली चीज़ तो ये हुई है कि गेम को टेकडाउन कर दिया गया है, ठीक है। एंड उस टेकडाउन प्रोसेस में ऑब्वियसली पहले सरकार का उसमें एक ऑर्डर था जिसको 69 एक्ट की वजह से टेक डाउन कर दिया गया है। एंड बैन वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो हाल फिलहाल में अब, क्योंकि ऑफिशियली वर्ड आजकल ऑफिशियल स्टेटमेंट से यही निकल के आ रहा है, ठीक है। ऑल दो गेम अभी तक बैन हुआ नहीं है, अभी भी सर्वर चल रहे हैं, बट सर्वर आजकल थोड़े से लैगी बहुत चल रहे हैं, ठीक है, बहुत लैगी चल रहे हैं। सो ये एक सीन है। बाय द वे, हाइड्रा क्रिस्टल थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर, जय पांचाल थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो सीन ये है, अभी फिलहाल उनको 14 डेज का टाइम दिया गया है, आई थिंक 13-14 डेज का टाइम दिया गया है क्राफ्टन की टीम को कि वो लोग स्पेसिफिकली बता सके कि ऐसा क्या है गेम में कि वो बैन ना करें। क्योंकि बैन करने के जो रीजन है वो ये है कि लाइक एक तो पूरा रेप्लिका बना रखा है पबजी मोबाइल का, ये प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि भाई प्रॉपर आपका जो गेम है पूरा रेप्लिका है, ठीक है। जो आपके अपडेट्स पबजी मोबाइल में आते हैं वही अपडेट्स आपके इस गेम में आते हैं, पूरा लाइक A to Z आपने यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रखा है, A to Z पूरा कॉपी है, बस आपने नाम चेंज कर दिया है, बाकी ऐसा पूरा का पूरा कॉपी है। ऑल दो एक तो चीज़ें शायद हटा दे तो देखा जाए, जैसे वो फिनिश किल वो सब हटा दो, फिर अपना किल इफेक्ट जो होता है जिसमें रेड एंड ग्रीन वो हटा दो आप, तो ये सब ये दो तीन चीज़ें अगर हटा दो तो बाकी पूरा का पूरा गेम ही कॉपी है, राइट। सो ये एक सीन है। दूसरा मेरे ख्याल से अगेन उनका 69 एक्ट जो है वो एक सीन है। अब 14 डेज को अगर देखा जाए तो आज से 14-15 दिन बाद आता है आपका 15 अगस्त, ठीक है। अब 15 अगस्त के दिन हो सकता है कि आपको कुछ न्यूज़ मिले दोबारा से, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ मिले। वेल, मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त के पहले पहले ही शायद हमें एक हफ्ते के अंदर हमें शायद कुछ अपडेट्स मिलेंगे, न्यूज़ की मैं बोलूंगा नहीं बट अपडेट्स शायद हमें मिल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें, वैसे मेरे हिसाब से ना यार क्राफ्टन को ना अभी सामने आके कुछ अपडेट देनी चाहिए अपनी तरफ से, बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स वेट कर रहे हैं उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट का, राइट। एंड सारे स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स, कंपनीज एंड बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि भाई वो आए सामने से कुछ ट्वीट करे। या मैं सच कह रहा हूँ, जिस बार अगर गेम गया ना, सो मुझे लगता नहीं कि गेम दोबारा आने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि दोबारा से फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, दोबारा से गेम को रीडेवलप करो, कुछ चीज़ें हटाओ, कुछ चीज़ें लाओ, तो उसमें अगेन बहुत सारा टाइम जाएगा, लाइक मिनिमम 2-3 महीने तो आपके आराम से चले जाएंगे, ठीक है। सो वो एक सीन है। और मैं आपको पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, मुझे चैट में किसी का भी नाम मत बताओ कि इसका वीडियो देख, उसका वीडियो देख, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसको फ़ोन लगा, उसको फ़ोन लगा, तुम्हारे भाई को ये सब चीज़ें मत बोला करो, ठीक है, क्योंकि जो भी अंदर की खबर है वो सब मेरे पास पहले ही आ जाती है। इट्स जस्ट कि मैं इतना बोल बच्चन नहीं देता ऑनलाइन आके, मैं अपना शांत रहता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे कुछ डालता हूँ, ना मैं कभी लाइव आता हूँ ज़्यादा, मैं बस अपना गेम खेलता हूँ, चिल करता हूँ, पब्लिक से इंटरेक्शन करता हूँ, बातचीत करता हूँ एंड मज़े में रहता हूँ, दैट्स इट। मान लो मैंने फ़ोन लगा, बंदा हगने बैठा है तो है कि नहीं, वो बोलेगा भाई शांति से हगने तो दे कम से कम मेरे को यार,